कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस एसी लर्निंग, क्लास 9th, मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और हम कर रहे हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ सेशन ऑफ दिस चैप्टर, फोर्थ लाइव सेशन ऑफ दिस चैप्टर ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का। इसमें लिखा हुआ है सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन द साइड सी डी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, देन द एंगल डी ए ई इज। किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है? और मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है भाई, मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है भाई, 9th क्लास के छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुदित ने तो इसका आंसर सॉल्व करने से पहले ही लगा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों मुदित भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? सही कह रहा हूँ ना मुदित भाई? गुप्ता जी, क्यों गुप्ता जी, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? तो देखो बच्चों, पक्का आपको ये क्वेश्चन आता है ना? पक्का आपको ये क्वेश्चन आता है। चलिए कैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। अरे भाई, ये इक्वलिटल ट्राइंगल था सी डी ई, ये रहा इक्वलिटल ट्राइंगल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिए। सी डी ई एक इक्वलिटल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा सर, ये इक्वलिटल ट्राइंगल दिख गया हमें, इक्वलिटल ट्राइंगल दिख गया, तो इसका मतलब पक्का ये वाली साइड, कौन सा एंगल पूछा बेटा इसने? डी ए ई वाला, डी ए ई। हाँ तो देखिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है, बताओ क्यों? अरे भाई, इक्वलिटल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हम डी ई इज इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं, इक्वलिटल ट्राइंगल की साइड है। लेकिन क्या हम डी सी इज इक्वल टू ए डी बोल सकते हैं? साइड ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल, लेकिन हम डी सी इज इक्वल टू ए डी बोल सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू ए बी बोल सकते हैं। अरे ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गई, साइड ऑफ स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इस वाली के इक्वल, ये वाली इस वाली के भी इक्वल, तो इसका मतलब शॉर्टकट में आप ये कह दो भाई कि ए डी इज इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू डी ई बोल सकते हैं शॉर्टकट में बच्चों। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। इसको चलो एक मिनट के लिए आप एक्स मान लोगे, तो पक्का ये वाला भी एक्स ही होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, है ना? अब ध्यान से देखो, ये वाला कितना है? 90 का, क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल है। ये वाला कितना है? 60 का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया भाई साहब? कौन सा वाला एंगल? ए डी ई एंगल, ए डी ई वाला हो जाएगा 90 प्लस 60, दैट इज 150। पूरा एंगल 150 का हो गया। अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल कौन सा वाला? ए डी ई को, ए डी ई को देखो, ये वाला एक्स, एक ये वाला एक्स और ये वाला 150, सब मिला के 180 होंगे। 150 प्लस एक्स प्लस एक्स 180 तो होंगे। अरे एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है मेरे भैया। तो देखो भैया, ये तो हो गया 2x, और ये 180 इधर जाके जब माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 30। तो x की वैल्यू 30/2, दैट इज 15। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? और ये बर्थडे गर्ल को आया है कि नहीं आया है? बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल आ गया बच्चों। तो बर्थडे गर्ल के लिए एक गिफ्ट है मेरे पास, एक छोटा सा एक ड्राइंग कर रहा हूँ मैं बर्थडे गर्ल के लिए। बर्थडे गर्ल के लिए एक छोटी सी ड्राइंग है मेरे पास। बर्थडे गर्ल हमेशा इसी की तरह से हंसती रहे। दिस इज़ माई विशेज फॉर द बर्थडे गर्ल, केवल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, बस यही है आपकी हंसती खेलती लाइफ। और पक्का आप जब बड़े हो जाएंगे तो इस लाइफ को मिस करेंगे, आपके मम्मी पापा भी ज़रूर मिस करते होंगे, कि वो दिन बहुत अच्छे होते हैं रियली में।
वेरी नाइस गर्ल, अब पक्का बर्थडे गर्ल इसकी जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ। बर्थडे गर्ल इसकी जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? वेरी नाइस गर्ल, इसी के जैसी हंसती रहना बेटा, है ना बेटा, इसी के जैसे हंसते रहना और जल्दी जल्दी से आंसर्स निकालते रहना। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, दैट इज एज 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर के हैं, बी डी एंड सी ई आर इट्स टू मीडियंस, ये दोनों इसकी मीडियंस हैं, तो आप मुझे कौन बताएगा तब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आ गया कि नहीं आ गया? तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो। चलो जल्दी 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 से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना सारे बच्चों को आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है? ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इक्वल हैं, ठीक है नहीं? ठीक है बच्चों, अब बी डी मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है बीच में काटना, ये रहा इसका बीच पार्ट, तो बी डी एक मीडियन है तो ये ऐसे काटेगी, है ना? सी ई ये भी एक मीडियन है तो ये भी बीच में ही काटेगी, सी ई मान लो, चलो ये मीडियन हो गई, ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, है ना? तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ए ई बी सी के बराबर है या ए डी बी सी के बराबर है या बी डी सी ई के बराबर है या ए सी बी सी के बराबर है। आ गया कि नहीं आ गया बता दो सारे बच्चों, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है, तो क्या पक्का इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा? और ये दो वैल्यू इक्वल इक्वल है, मान लो एक पे 100 रुपये हैं दूसरे पे भी 100 रुपये हैं, आधा आधा कर दो 50-50 हो गए, तो अभी भी तो इक्वल ही हैं, 100-100 थे वो भी इक्वल थे, 50-50 हैं तो भी इक्वल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है तो उसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ए बी का जो हाफ पार्ट है दैट इज ए ई और ए सी का जो हाफ पार्ट है दैट इज ए डी, ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए बता दीजिए? ए ई और ए डी, ए ई और ए डी दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? पक्का सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो यार। अच्छा ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, कौन कौन से ट्रायंगल यूज किए मैंने बता दो, एक तो ट्रायंगल ले लिया मैंने ए ई सी और एक ट्रायंगल ले लिया ए डी वी, ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं ना, है ना? तो ए ई सी में ये वाली और ए डी ई में ये वाली, ए डी दोनों इक्वल हो गई, है ना? मीडियन है, मीडियन का काम ही होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जब ए बी और ए सी इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट ए ई और ए डी भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, इधर वाले में भी, लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और इसके अलावा ए सी इज इक्वल टू ए बी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही गिवेन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में कैसा आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है, तो देखो ये कॉमन हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई और ये पूरी वाली जो साइड थी वो इस पूरी वाली साइड के बराबर हो गई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई बोलिए? ये साइड एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, लड़कियों का फेवरेट नाम है ये, सास कॉन्ग्रुएंसी, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है ना बेटा? चलो सास कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा डी ए ई ए सी, ट्राइंगल ई ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके बोलिए? डी ए बी के, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए को डी ए के इक्वल, ई ए और डी ए कहीं इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो तो ए सी इज इक्वल टू ए बी दिख रहा है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी ये भी कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या ई सी इज इक्वल टू डी बी दिख रहा है? ई सी इज इक्वल टू डी बी दिख रहा है, ई सी इज इक्वल टू डी बी ये भी कहीं नहीं दिख रहा भाई, ये भी कहीं नहीं दिख रहा, तो फिर आप एक काम करिए नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है ना?
चलो कोई बात नहीं, अब नीचे वाला ट्रायंगल कॉमन कर दो, नीचे वाला, नीचे वाले कौन कौन से, ये वाले ट्रायंगल्स कौन से वाले, ई बी सी वाले एंड ट्रायंगल डी सी बी वाले, इन दोनों ट्रायंगल को देखो। देखो फिर दोबारा से, ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो इसका मतलब आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं पहली बात तो, और क्योंकि पूरी साइड इक्वल है तो इसका हाफ पार्ट बी ई इज इक्वल टू डी सी भी लिख सकते हैं, और बी सी दोनों में कॉमन आ रही है, बी सी इज इक्वल टू बी सी ये कॉमन है, कॉमन हो गई है ना, ये भी गिवन था और ये भी गिवन था, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बता दो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे बच्चों, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी लिख देंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ई बी की वैल्यू डी सी के बराबर होगी, ई बी और डी सी नहीं है, बी सी इज इक्वल टू सी बी होगा, वो तो है ही, बी सी और सी बी वो तो एक ही बात है, तो इसका मतलब ई सी की वैल्यू डी बी के बराबर होगी, ई सी की वैल्यू डी बी के बराबर होगी, यानी कि ये रहा, ये राइट आंसर है ना, अगर हम फर्स्ट थर्ड को ले लेंगे ऐसे करके, फर्स्ट थर्ड, तो ई सी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, डी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, पक्का समझ में आ रहा है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, पक्का सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करिए, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता बता दो, रिद्धिमा हे रिद्धिमा, आता है बेटा आपको ये समझ में, कर पाएंगे इसको, सबसे ज़्यादा चिंता मुझे रिद्धिमा की होती है भाई, रिद्धिमा इसको करेगी कि नहीं करेगी, तो रिद्धिमा को आना चाहिए बस। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे सामने, ये रहा, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, ए इज इक्वल टू डी, ये एंगल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना, तो द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एक्सियम इफ, क्या कंडीशन होगी इनमें से, कौन सी कंडीशन, एक चीज़ और लगा दो जिससे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है बच्चों, तो देखिए एक तो ये है आपके पास ए बी सी है ना, मान लो चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक ये है आपके पास है ना, एक ये है आपके पास, इसका नाम क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, तो देखो ए बी और एफ डी बराबर है, ए बी वाला और एफ डी वाला ये दोनों बराबर हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अब आपको एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज़ करनी है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है बच्चों, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करने के लिए देखो साइड तो आपके पास है ये रही, एंगल आपके पास है ये रहा, तो पक्का एस ये हो गया, ए ये हो गया, तो पक्का नेक्स्ट ये वाली साइड चाहिए है ना, और इसके लिए ये एस हो गया, ये ए हो गया, अब आपको ये वाली साइड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए ये वाली साइड है ना, तो इसका मतलब आपको चाहिए कि ए सी और डी ई और इक्वल हो जाएं, तो हमारा एस ए एस एक्सियम हो जाएगा, तो ए सी और डी ई चाहिए, तो ए सी और डी ई दैट इज ऑप्शन नंबर ये वाला, सही बात है कि नहीं, सही बात है बता दो, सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, प्रॉपर तरीके से आ रही है, पूरे तरीके से आ रही है, ढंग से आ रही है, बोल दीजिए सारे बच्चे, नैतिक भाई, नैतिक भाई, नैतिक भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो मुझे फटाफट से, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नैतिक भाई पक्का समझ में आ रहा है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने ये, और होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको, पक्का सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, सारे बच्चे करेंगे दम लगा के, जो लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें लिखा है, इन द गिवन फिगर पी एस इज द मीडियन। पी एस क्या है बच्चों? मीडियन है। पी एस मीडियन है तो पक्का ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अरे मेरे भैया, मीडियन का काम होता है एकदम बीचों बीच में से काटना, तो ये दोनों मीडियन हो गई तो दोनों बीचों बीच में से काटेंगी, है ना। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। बाइसेक्टिंग द एंगल पी, पी वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये बाइसेक्ट हो गया, तो जिब वाला और जिब वाला इक्वल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अब ये कहता है सच दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क कर रखा है। अब आपको एंगल क्यू पी एस की वैल्यू निकालनी है। कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी है बताओ बच्चों? क्यू पी एस। क्यू पी एस कौन सा है? ये वाला। चलो इसे आप एक्स मान लो यार। एक्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अरे एक्स तो दुनिया में किसी भी चीज़ को एक्स मान सकते हैं, है ना। दुनिया में किसी भी चीज़ को एक्स मान सकते हैं, जो कुछ भी नहीं पता वही एक्स है। चलो मैं तो यही कहती है भाई। तो देखो साहब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कौन बता रहा मुझे क्वेश्चन, किस किस को आता है बोलो? अरे यार मेरे भाई, एंगल पी प्लस क्यू, पहले ये लिखो आप, आपको पी क्यू इजिकल टू पी आर दिया है कि नहीं दिया है? पी क्यू इजिकल टू पी आर दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू और एंगल आर दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि ये वाला भी 45 का होगा। जब क्यू को हम 45 लिख देंगे तो एंगल आर ये भी 45 का ही हुआ, यानी कि ये भी 45 का ही है कि नहीं है? साइड इक्वल है, इसलिए अब एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर मिला के तो 180 ही होंगे, अलग थोड़े होंगे यार, कुछ कुछ अलग थोड़े होंगे। तो एंगल पी कितना हुआ? एंगल पी तो हमें पता ही नहीं है भाई, जी तो कलेस है, सारे कलेस की जड़ यही है। एंगल क्यू कितना था? एंगल क्यू था 45, ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई। आर वाला ये भी 45, तो मिला के सब कितने हो गए? 180। तो एंगल पी कितने का हो गया? ये मिला के 90 हो जाएंगे, उधर जाके 90 माइनस हो जाएंगे, तो 90 ही बच गए। तो एंगल पी का मतलब होता है 2x इज इक्वल टू 90। अरे ये पूरा एक्स और एक्स मिला के 2x ही तो हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45। 45 का मतलब दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। फौजी भाई, ए फौजी भाई, फौजी आ गया कि नहीं आ गया बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। आपको नहीं आए तो आप हमेशा मेरे पास आके क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं किसी भी टाइम क्लास में। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी एम एंड डी एन आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी वाली लाइन के ऊपर, ए सी वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन ए सी सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है बता दो? सबको ये वाली लाइन दिख रही है ना? इस लाइन के ऊपर हमने एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ऐसे, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ऐसे, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल तो बनाएगा यार, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा बता दो? 90 का एंगल बना लिया इसने। चलो अब कहता है जब बी आर, बी आर का मतलब ये वाला पार्ट, जब 8 है तो बी डी कितना होगा? अरे बहुत ईजी बात है यार, बहुत ईजी है। इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो। इन ट्राइंगल कौन सा वाला? डी एन आर, एन ट्राइंगल बी एम आर, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 90 डिग्री का एंगल डी एन आर बी एम आर, ये दोनों 90 90 डिग्री के हैं कि नहीं है बताओ? अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मेरे चचा, इक्वल होंगे, और जेब वाला जब वाले के इक्वल, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल डी आर एन इजिकल टू एंगल बी आर एम,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आ गया। और डी एन की वैल्यू बी एम के बराबर, ये तो क्वेश्चन में ही दी हुई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई, तूने ही तो कहा था इक्वल है, हम तो तेरी बात को ही बोल रहे हैं भाई, है ना। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई कौन बताएगा मुझे? एक तो आपने साइड यूज़ की है, एक 90 डिग्री का एंगल यूज़ किया है और एक ये एंगल यूज़ किया, मतलब एंगल है फिर एक साइड है, एंगल है साइड है, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी आपने यूज़ कर ली, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोलो कौन से वाले? ट्रायंगल डी एन आर, ट्राइंगल डी एन आर इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? बी एम आर के। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो पक्का बी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? बी आर की वैल्यू डी आर के बराबर होगी, डी आर इज इक्वल टू बी आर। तो यानी कि दो सब इक्वल इक्वल होंगे तो एट एट के होंगे, क्योंकि ये एट दिया हुआ है, एट दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन में आपको, तो इसका मतलब डी वी कितना हुआ? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एट, दैट इज 16 सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर ही है। तो दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छे तरीके से करिए, दम लगा के करिए, जोर लगा के करिए। ओके बच्चों, सबको आता जा रहा है, सबको आता जा रहा है। पीयूष, ए पीयूष आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, पीयूष पीयूष स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? पक्का आ रहा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए दे रहा हूँ, आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छे तरीके से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दीजिए इसको, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम वाला आपसे पूछ सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 10। सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिए मुझे, सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फॉर द गिविन ट्राइंगल्स राइट द करस्पोंडेंस इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको करस्पोंडेंस लिखनी है, मतलब कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी इसमें से सही लिखी है, और आपको लगता है कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जाइए, कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन तीनों में से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है फिर वो लिखिए, है ना। तो देखो भाई, ये वाली इस वाली के इक्वल, और लफड़ा है कि नहीं है इसमें बता दीजिए, लफड़ा है कि नहीं है? कौन बताएगा लफड़ा? क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बताइए क्यों? क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? अरे भाई ये ट्रायंगल ही नहीं बनेंगे, जबरदस्ती बना दी है इसने, ये इसने जबरदस्ती लाइन खींच दी है ऐसे ही, ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, बताइए कैसे? ट्रायंगल होंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल ही नहीं है। आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, तो अगर मैं इन दोनों साइड को सम करूंगा तो आंसर 3 से बड़ा आना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, वो आएगा ही नहीं। देखो कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, छोटी क्लास में आपने कंस्ट्रक्शन सीखा था कि नहीं सीखा था बताओ? कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर होता है छोटी क्लास में, 5th 6th 7th में ही होता है, क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बट कंस्ट्रक्शन जो 5th क्लास वाला था वो बहुत ईजी सा था। देखो सबसे पहले आपने AC वाई लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे करके, 3 सेंटीमीटर की, है ना। अब ये कहता है कि एक है 1 सेंटीमीटर की साइड और एक है 2 सेंटीमीटर की साइड, है ना। यहाँ पे कंपास रख के आप 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना, इसका 1/3 पार्ट ये इधर ही कट करेगा ऐसे करके, और यहाँ पे रख के 2 सेंटीमीटर का कट लगाओ। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे तो कट लगेगा। तो यहाँ पर अगर ये ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट आ गया? बी वाला, ये ए था ये सी था, तो बी वाला पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ गया है, ये एक लाइन बन गई, ये ट्रायंगल कहाँ बन पाएगा? ट्रायंगल ही नहीं हुआ तो कॉन्ग्रुएंट कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, जब ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से आ गई भाई? इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है कि नहीं? ठीक है सारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, अगेन होमवर्क, सारे बच्चे करेंगे, पक्का करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, सारे बच्चों को जो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं जी, और बता दो मुझे, कि पता चला मैं ही डाउट में चल रहा हूँ, सारे बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा आपको, आप पहले मुझे अपना टिक बता दो,
आप मुझे इसका टिक बता दो आदित्य भाई कि आपने इसमें किस पर टिक मारा है, आपने कौन सी ऑप्शन पर टिक मारा है आदित्य, कौन सी ऑप्शन पर टिक मारा है आपने पाठक, ए पाठक कौन सी ऑप्शन पर टिक मारा है ये बता दे मुझे जल्दी से। पक्का सारे बच्चों ने अपना अपना ऑप्शन चूज कर लिया? अब देखिए मैं बताता हूँ, सारे बच्चों ने अपना अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। एक काम करिए जरा इसको इसे ज्वाइन कर देना ऐसे करके, कर दिया। अब ध्यान से देखो, जे वाली जा वाली के इक्वल क्वेश्चन में दी हुई है, और जे वाली जा वाली के इक्वल क्वेश्चन में दी हुई है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो इसका मतलब ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो ए सी डी यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा, बाई सी पी सी डी, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना। अरे बोलो, एंगल बराबर के ही तो होंगे, एंगल बराबर के अगर ये होंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये वाला एंगल अगर एक्स डिग्री का है तो पक्का ये वाला भी एक्स का होगा, या दोनों 50 के होंगे, या दोनों 100 के होंगे, या 10 के होंगे, 4 के होंगे, 2 के होंगे, 1 के होंगे, किसी के भी होंगे, कितने भी डिग्री के होंगे, जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये वाला भी होगा। मान लो एक्स है तो एक्स का और एक्स का जब हम रेशियो निकालेंगे तो एक्स बन जा एक्स 1:1 ही तो आएगा, कितनी इजी बात है। अरे ये वाली साइड क्वेश्चन इक्वल दी है, ये वाली साइड क्वेश्चन इक्वल दी है, ये वाली साइड कॉमन हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल एंगल, दो चीज़ें जो इक्वल होती हैं उनका रेशियो हमेशा 1:1 होता है, दो चीज़ें अगर इक्वल होती हैं तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 होता है, रेशियो 2:1, दो चीज़ों का। अरे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो डिवाइड करके 1 ही तो आएगा यार, और कुछ आए और किस कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए प्यारे बच्चों, होमवर्क में है और ये सारे बच्चों को आता है, पक्का आता है, पक्का आता है, पक्का आता है। फिगर देख लीजिए और कॉन्ग्रुएंसी लिख दीजिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एक साइड है बीच में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपके सामने सारे बच्चों, ये आपके सामने है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लीजिए सारे बच्चे कैसे कर सकते हैं। इसने पूछा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ए सी डी वाला ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, कितना होगा बताओ आप मुझे। अरे पहले इस ट्राइंगल को देखो, अरे भैया कितना इजी था, इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, ए बी एम सबको दिख रहा है, ये एक्स वाला और ये 30 वाला और ये 90 वाला मिला के कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो पक्का एक्स इक्वल टू 60 डिग्री का आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 60 का ही हुआ, तो इसका मतलब पूरा एंगल जो ए था वो एक्स प्लस एक्स 2x यानी कि 120 डिग्री का हो गया। ये पूरा एंगल कितने का हो गया बता दो, 120 डिग्री का, और ये वाला कितने का हो गया 30 डिग्री का, तो ये वाला कितने का होगा एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी डी कितना होगा बोलो, एंगल ए और एंगल बी को मिला के, ए वाला कितना था 120, बी वाला कितना था 30, 150 का हो गया 150, 150 का मतलब दिस इज द राइट आंसर। नहीं आया बच्चों को समझ में, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दीजिए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पक्का 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 सारे बच्चों को आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है, बोलिए आता है कि नहीं आता है जल्दी से बता देंगे सारे की सारे बच्चे, बोलो मेरे बच्चे। नहीं आया समझ में बच्चे, आ गया सबको। चलिए तो पक्का सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अपने आप, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं होगी, ये मुझे पक्का बिलीव है आपके ऊपर और थोड़ा सा अपने ऊपर भी कि ये क्वेश्चन तो मैंने तो बहुत सारे करवाए हैं, ये पक्का आपको आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दीजिए सारे लोग, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दीजिए सारे लोग, जरा जल्दी से बता दीजिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो बेटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे बेटे क्या
QRS, QRS का मतलब ये वाला पूछ रहा है। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको एक मिनट के लिए ये क्वेश्चन में एंगल एक्स मान ले रहा हूँ, और किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है, सारे बच्चे मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे, सारे बच्चे मुझे इसका जल्दी से आंसर देंगे, किस किस बच्चे को ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार, बोलो मेरे भैया, नहीं आया समझ में तो आ गया यार, अब तो आ गया होगा, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़े है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, चलो अगर आपका आ गया है तो मेरे आंसर से आप मैच करना। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसके साथ साथ, कर ली कि नहीं कर ली बता दीजिए, इस वाले को आप मान लीजिए दिस इज एंगल नंबर वन, इस वाले को मान लीजिए दिस इज एंगल नंबर टू, ठीक है। तो सबको पता है कि एंगल वन प्लस 110 मिला के 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। ऐसे ही तो एंगल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 तो जाके माइनस का हो जाएगा, 70 आ जाएगी, बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बता दो, पक्का आ जाएगी ना बेटा, पक्का आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सारे बच्चों को आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। ऐसे ही ऐसे देखेंगे सारे के सारे बच्चे, देखिए सारे बच्चे ऐसे ही, एंगल नंबर टू वाला और एंगल नंबर 130 वाला कितना हो जाएगा, 180, तो एंगल टू कितना आ जाएगा, 50, आ गया कि नहीं आ गया। तो एंगल वन प्लस, अब सारे बच्चों को पता है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल नंबर वन वाला एक्स वाला और एंगल नंबर टू वाला मिला के 180 हो जाएगा, वन कितना था, 70, प्लस एक्स टू वाला कितना था, 50 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70J और 50J, 120 हो गया, उधर 120 जाके माइनस हो जाएगा बेटा, 60 बचेगा, है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे को पूरा की पूरा आ गया है ये क्वेश्चन, आ गया कि नहीं आ गया है, यस सर बोल दीजिए सारे की सारे बच्चे, यस सर बोल दीजिए सारे की सारे बच्चे, पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, महक ए महक आ गया तुझे, पक्का बता बेटा, पक्का बता, चलिए जैन साहब आ गया सारे बच्चों को, ओके बच्चों प्लीज़ बच्चों, आप छोटे बच्चे हैं, सीधे बच्चे हैं, अच्छे से बच्चे हैं, डेली पढ़ा करिए, थोड़ा सा मैं काम देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता, आप आराम से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ओके बच्चों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका कुछ बेनिफिट ले सकें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास सारे मेरे वीडियोस आ सकें, और लाइक कर दीजिए, ओके बच्चों, पक्का सबको समझ में आ रहा है, बाय, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू, ओके बच्चों।